साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं। मलिक की कंडीशन ये है कि राहत कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इसका दूर दूर तक अता पता नहीं है। और इस बीच मुंबई में ईडी ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी है जिसमें मलिक पर आरोपों की झड़ी लगाई गई है। लेकिन इसी दौरान चार्जशीट फाइल करने के दौरान ईडी ने एक ऐसा नया एक्शन लिया, एक ऐसी बात कही, एक ऐसा शतरंज की चाल जिसे कहा जा रहा है कि जिसने नवाब मलिक पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। हालात यहां तक हैं कि मलिक के दोनों ही बेटों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई और इस बार ये तलवार हटने वाली भी दिख नहीं रही है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, कैसे हो गया है सबसे बड़ा अटैक, कैसे चला ईडी का हथौड़ा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब नवाब मलिक का बचना और उनके परिवार की मुश्किलों का कम होना नामुमकिन है। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक पर आपत्तियों का पहाड़ हर रोज ही टूट रहा है, हर रोज ही मुश्किलें नई नई खड़ी हो रही हैं। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। करीब 5000 पेज की इस चार्जशीट में मलिक पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, कई दावे किए गए हैं और मलिक के डी गैंग से रिश्तों, हसीना पारकर के साथ कारोबारी संबंध और कैसे नवाब मलिक के पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा है। आरोपों की पूरी झड़ी है, पूरी तरह से दावे किए गए हैं। अब नवाब मलिक के लिए वैसे तो ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि गिरफ्तारी के 2 महीने के अंदर ही ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है, जिससे ईडी की तेजी का, ईडी की पुख्ता तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी कितनी डेस्परेट है नवाब मलिक को सजा दिलवाने के लिए और कितनी ज्यादा तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि चार्जशीट फाइल करने के लिए 6 महीने का वक्त होता है, मगर यहां तो सिर्फ 2 ही महीने में चार्जशीट फाइल कर दी गई। अब नवाब मलिक चार्जशीट के सदमे से उबर पाते, चार्जशीट का गम उनका कम होता, उससे पहले ही अगला हमला हो गया और इसी कोर्ट में वो हमला हुआ, इसी बार वो हुआ, इसी सुनवाई या कहें कि इसी केस में हियरिंग के दौरान हुआ। इस बार तो सबसे बड़ा अटैक था, सबसे बड़ी कार्रवाई थी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ कोर्ट के अंदर और इस बार सीधे सीधे नवाब मलिक के दोनों बेटों पर आंच आ गई। ईडी ने कोर्ट में साफ साफ बताया कि नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक और फराज मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एक बार नहीं बल्कि कई बार समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक भी बार आने की जहमत नहीं उठाई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आमिर मलिक, फराज मलिक पूछताछ के लिए नहीं आए हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और किसी भी तरह से केस को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह की कोई मदद, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक बड़ी बात ये बता दें कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उससे ठीक पहले ईडी ने यही कहा था कि नवाब मलिक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया जाना बेहद जरूरी है। और उसके बाद नवाब मलिक को अरेस्ट कर दिया गया और यहाँ पर उनके बेटों के साथ भी यही हो रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, ये स्टेज सेट हो रहा है, स्टेज की तैयारी हो रही है, सब कुछ रेडी है नवाब मलिक के बेटों को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि नवाब मलिक के साथ साथ उनके कारोबार में उनके बेटे भी सहयोगी हैं और ईडी का मानना है कि उन्हें, यानी कि नवाब मलिक के बेटों को भी सब कुछ पता होगा, वो भी जानते होंगे कि नवाब मलिक और की कंपनियों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। और अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर वो आरोप सही साबित होते हैं तो उनमें नवाब मलिक के साथ साथ उनके बेटे भी शामिल होंगे और इसीलिए ईडी फराज मलिक और आमिर मलिक से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन दोनों समन के बाद भी नहीं आए। और अंत में सबसे बड़ा हथियार मारते हुए, सबसे बड़ा हमला करते हुए ईडी ने कोर्ट को बता ही दिया कि मलिक के बेटे आमिर और फराज जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब 23 फरवरी को दोहराने की बारी दिख रही है। 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले ईडी ने यही दलील दी थी कि मलिक सहयोग नहीं कर रहे और अब फराज और आमिर मलिक को लेकर भी ईडी की यही दलील है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उल्टी गिनती इनकी शुरू मानी जा चुकी है, उल्टी गिनती गिरफ्तारी की शुरू हो चुकी है बहुत जल्द। जी हां, जो आशंका जताई जा रही है उसके मुताबिक बहुत जल्द अगले कुछ दिनों में ही आमिर मलिक, फराज मलिक को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है या फिर कम से कम हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उनसे पूछताछ बेहद जरूरी है और आमिर मलिक, फराज मलिक पूछताछ के लिए बुलाकर समन भेजकर वापस आ नहीं रहे।
अब अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा झटका होगा, न सिर्फ नवाब मलिक के दोनों बेटों के लिए बल्कि नवाब मलिक के लिए भी, क्योंकि अभी नवाब मलिक जेल के अंदर हैं, तो जेल के बाहर क्या हो रहा है, वकीलों से क्या बात करनी है, कैसे केस को आगे लेकर जाना है और मलिक को जेल से बाहर निकालने के लिए क्या क्या करना है, किससे बातें करनी है, या कहें कि जेल से बाहर की दुनिया फराज और आमिर मलिक ही चला रहे हैं, नवाब मलिक के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, लेकिन अगर इन दोनों को भी ईडी पकड़ लेती है, इन दोनों को या तो हिरासत में या फिर गिरफ्तार करती है, तो फिर नवाब मलिक के परिवार में ऐसा कोई नहीं बचेगा जो कि डायरेक्ट इनकी मदद कर सके। जी हां, मदद के लाले पड़ जाएंगे, मदद के लिए कोई हाथ नहीं होगा, वकीलों से बात कोई करने वाला नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग परिवार में और जरूर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से बेटे नवाब मलिक के केस को हैंडल कर रहे थे, नवाब मलिक के लिए हर जगह खड़े थे, उसके बाद वो संभव नहीं हो पाएगा। नवाब मलिक के हालात खराब हो जाएंगे, उनके बेटों के हालात खराब हो जाएंगे, और इसीलिए तो इस एक चाल से ईडी तीन मोहरों को निपटाना चाहती है, और वही होता हुआ भी दिख रहा है, और इसीलिए इसे ईडी की सबसे बड़ी चाल, ईडी का सबसे बड़ा हमला अटैक कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, अगर वहां से कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर अगले कदम के तौर पर नवाब मलिक के बेटे फराज और आमिर मलिक पर ईडी का शिकंजा कस सकता है, जो कि नवाब मलिक के लिए और भी बड़ा, सबसे बड़ा अटैक होगा, मलिक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और नवाब मलिक के लिए कितनी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक का ठिकाना मुंबई की आर्थर रोड जेल करीब पिछले 2 महीने से बना हुआ है, 2 महीने से वो सलाखों के पीछे है। अब इस बीच 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक के इंटरिम राहत के मामले में सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मलिक को लेकर कोई फैसला सुना सकता है, जबकि ईडी बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल करने वाली है। पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक को लेकर ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन इन सब के बीच मलिक के केस में नया ट्विस्ट आ गया है, नया चेंज आ गया है, क्योंकि अली शाह पारकर ने बहुत कुछ बता दिया, या कहें कि बहुत कुछ या सब कुछ उगल दिया है। जी हां, दाऊद के भांजे हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर ने बहुत कुछ ईडी को बताया है, बहुत बड़े बड़े खुलासे किए, जिसके बाद केस नए ट्रैक पर दिख रहा है। हाँ, पहले आपको बताते हैं अली शाह पारकर ने क्या क्या खुलासे किए और फिर आगे की कहानी भी बताएंगे। तो अली शाह पारकर वैसे तो पुलिस और कानून से दूर ही रहते थे और अली शाह पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं था, लेकिन अचानक नवाब मलिक केस में अली शाह को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें अली शाह पारकर ने ही बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी और एक तरह से नवाब मलिक के मामले का खुलासा भी किया था। जी हां, ईडी सूत्रों के मुताबिक अली शाह पारकर ने ही बड़ा खुलासा किया है कि हसीना पारकर यानी कि की माँ और नवाब मलिक के बीच में डील हुई थी और गोवाला कंपाउंड को लेकर ये डील थी। ईडी सूत्रों का कहना है कि ये पैसा अली शाह पारकर के मामा यानी कि डी गैंग के मुखिया तक भी पहुंचा था, और ईडी के मुताबिक हसीना पारकर के जरिए ये पैसा देश से बाहर पहुंचाया गया और डी गैंग के आका तक पैसों की सप्लाई भी। आगे देखिए, ईडी सूत्रों के मुताबिक अली शाह पारकर ने बताया कि नवाब मलिक को सारी की सारी जानकारी थी कि गोवा वाला कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टी है, किसके नाम पर है ये प्रॉपर्टी और किसके साथ, यानी कि हसीना पारकर और 1993 कांड के दोषियों के साथ वो डील कर रहे हैं, ये सब कुछ नवाब मलिक को मालूम था, लेकिन फिर भी डील को आगे बढ़ाया गया, डील को किया गया। और ईडी के मुताबिक ये सब कुछ अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ जानबूझकर हुआ। नवाब मलिक को सब कुछ पता था कि वो देश के दुश्मनों के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती किसी प्रॉपर्टी को हथिया रहे हैं, ताकतवर। नवाब मलिक को इसका पूरा एहसास था, इसकी पूरी जानकारी थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक अली शाह ने ये भी बताया कि नवाब मलिक को ये भी जानकारी थी कि उनकी तरफ से दिया गया पैसा डी गैंग तक पहुंचाया गया। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है जो ईडी तक पहुंच गया, और ईडी ने इसी में से एक शब्द ऐसा पकड़ लिया, एक शब्द ऐसा निकाल लिया जो कि अब नवाब मलिक के गले की फांस बनने जा रहा है और नवाब मलिक को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज सकता है, और वो शब्द है फंडिंग। जी हां, नवाब मलिक पर ईडी ने यही आरोप लगाया और यही कहा है कि उन्होंने जो पैसा दिया वो विदेश गया, दाऊद तक पहुंचा और इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया गया। ईडी का यहां तक दावा है कि इसकी जानकारी, इसका पूरा पूरा पता, सब कुछ होशो हवाश में नवाब मलिक को भी था कि उनका पैसा कहां जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है और इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।